ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि किस ग्रह का दोष दूर करने के लिए किन पक्षियों को कौन सा दाना डालना चाहिए। देखिए वो एक्चुअली में अनाज का ही ज्योतिषीय उपाय है। ज्योतिष के उपायों में दान का सबसे अधिक महत्व है। मान्यता है कि ग्रहों से जुड़े दान करने से ग्रह शांति होती है, लेकिन यह सबके लिए संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे में क्या किया जाए। यदि आपके साथ यही समस्या है और आप बहुत कोशिशों के बाद भी ग्रहों से जुड़े उपाय या शांति नहीं करवा पा रहे हैं, तो एक मुट्ठी अनाज आपकी मदद कर सकता है। दरअसल ज्योतिष में हर ग्रह से जुड़े कुछ विशेष खाद्य पदार्थ माने गए हैं। यदि हम किसी ग्रह विशेष से संबंधित अनाज को पक्षियों को डालें तो उस ग्रह का अशुभ प्रभाव दूर हो सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस ग्रह के दोष को दूर करने के लिए कौन सा अनाज पक्षियों को डालना चाहिए। देखिए, चंद्रमा और शुक्र से जुड़े दोष दूर करने के लिए चावल का दाना डालना चाहिए। पक्षियों को मूंग या कंगनी डालने से बुध से जुड़े अशुभ प्रभाव खत्म होते हैं। पक्षियों को चना दाल डालने से गुरु ग्रह से जुड़े दोष खत्म होते हैं। पक्षियों को उड़द दाल और काले तिल डालने से शनि ग्रह से जुड़े दोष खत्म होते हैं। और पक्षियों को बाजरे का दाना डालने से राहु केतु से जुड़े दोष खत्म होते हैं। पक्षियों को गेहूं डालने से सूर्य और मंगल से जुड़े अशुभ प्रभाव खत्म होते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।